मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के चलते जारी हुई सूची के बाद से लगातार हर जगह विरोध प्रदर्शन जारी है। ऐसे में कांग्रेस द्वारा अपने 7 प्रत्याशियों को बदल दिए जाने के बाद विरोध जारी है, जिसमें अब बैरसिया सीट से टिकट कटने से नाराज राम भाई मेहर अपने सैकड़ों समर्थकों के साथ कांग्रेस के झंडे के बैनर के साथ नामांकन फॉर्म खरीदने पहुंचे। वहीं आपको बता दें कि इससे पहले भी राम भाई मेहर की टिकट कटने से नाराज उनके समर्थकों ने मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के बंगले के बाहर मुंडन और हनुमान चालीसा का पाठ कर हंगामा किया था। साथ ही राम भाई मेहर का कहना है कि अगर उन्हें पार्टी टिकट देती है तो बैरसिया से कांग्रेस की जीत पक्की है। इसी के साथ उनका कहना है कि 4 और टिकट बदले जाने हैं, जिसमें उनका नाम शामिल है। देखिए, मैं कांग्रेस का कार्यकर्ता हूं और सड़क पर चलने वाला आदमी हूं, किसानों का, गरीब गरीबों का और किसानों को, मजदूरों के बीच बैठने वाला व्यक्ति हूं मैं। इस क्षेत्र बैरसिया की क्षेत्र जनता के बीच बैठने वाला व्यक्ति हूं मैं और हमें पूर्ण विश्वास है। अब जिस तरह से टिकट का बदलाव हुआ है विरोध देखते हुए और सीटों पर बदलाव किया जा रहा, पहले 3 सीट का बदलाव किया था, अब 4 सीट पर बदलाव किया और हमें विश्वास है कि आने वाली 28 तारीख को 4 सीटों पर और बदलाव होने जा रहा, जिसमें बैरसिया भी रहेगा। हमने हमारी बात, जो मेरे खिलाफ कुछ हमारे पार्टी के नेताओं ने और कुछ विरोधी पार्टी भी चाहती थी, भाजपा के राम भाई का टिकट नहीं हो, वो उनके मंसूबे में कामयाब हो गए। कुछ हमारे पार्टी, कांग्रेस पार्टी के नेता भी चाहते थे कि राम भाई का टिकट नहीं हो, मुझे मेरे ऊपर व्यक्तिगत हमले करवाए गए। होता है, मैं बुराई नहीं मानता इस चीज़ की, होते वक्त, लेकिन व्यक्तिगत हमले, राजनीतिक हमले न करके व्यक्तिगत हमले उनने किए कि पैसा नहीं है इसके पास में, फक्कड़ आदमी है ये, जिसके पास क्या चुनाव लड़ेगा। और यहाँ तक कुछ अखबारों ने, हमारे पत्रकार भाइयों ने भी, जिनको वक्त के साथ जवाब मिलेगा, उन्होंने भी लिखा कि दिवालिया हुआ है। तो एक पक्ष जो हमारे जिला संगठन ने, एक पक्ष मेरा जो रखा है कुछ हमारे नेताओं ने, दूसरा पक्ष वो नहीं देख पाए, हमारे प्रभारीगण नहीं देख पाए, सुरजेवाला जी नहीं देख पाए, माननीय दिग्विजय सिंह जी नहीं देख पाए, उन्हें कमलनाथ जी। तो हमने हमारे विरोध के माध्यम से हमारे साथियों के साथ जब मिलकर उनको बताया कि ये पक्ष एक गलत पक्ष है, आप जरा जनता की आवाज़ सुनिए, सच्चाई को सुनिए, और कमलनाथ जी सच सुनने वाले व्यक्ति है, तो हमने उनके सामने बात रखी। तो हमें उम्मीद है कि आने वाली 28-29 तारीख में जब भी यहाँ का चयन होगा, प्रत्याशी यहाँ पर बदला जाएगा और यहाँ पर हमारे सब साथियों की मांग करके इस बैरसिया विधानसभा में मुझे उम्मीदवार बनाएंगे। अगर ऐसा नहीं होता, मान लो नहीं करते, फिर इसके बाद में हम इस पर विचार करेंगे और हमारे साथियों के साथ मिलकर क्षेत्र की जनता के साथ विचार करेंगे और वो सब आपके सामने आ जाएगा, हम क्या करेंगे। पार्टी कार्यकर्ता से होती है, कांग्रेस पार्टी का पूरा यूथ कार्यकर्ता राम भाई मेहर के साथ है। आप अभी देख सकते हो, आज भी सैकड़ों की संख्या में कार्यकर्ता राम भाई मेहर के साथ खड़ा हुआ है और कहीं ना कहीं कार्यकर्ताओं में ये प्रत्याशी जो कांग्रेस ने दिया है इसको लेके मायूसी छाई हुई है, सब मायूस हैं। पिछले 6-7 दिन से आप खुद देख रहे हो बैरसिया में चुनावी माहौल नहीं लग रहा है, तो हमें कहीं ना कहीं संभावना लग रही है कि ये हमारी जो मायूसी जो बैरसिया क्षेत्र की, ये बड़े नेताओं तक पहुंचेगी और कहीं ना कहीं वो 28 तारीख को जो CWC की मीटिंग होने वाली है, कहीं ना कहीं वहाँ पे बैरसिया विधानसभा को पुनः विचार में लेके हमारे जो जन जन के नेता हैं, राम भाई मेहर युवाओं के नेता हैं, उनको प्रत्याशी मनोवित करेगी। वही जानकारी के लिए आपको बता दें कि कांग्रेस ने बैरसिया सीट से जयश्री हरिकरण को प्रत्याशी बनाया है। बैरसिया से जितेंद्र शर्मा की रिपोर्ट।